प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। खुदावन यसु के नाम में आप सभी को सलाम। ग्रीटिंग्स टू यू इन जीसस माइटी नेम। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं सबसे पहले आज के इस शॉर्ट वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं सबसे पहले आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और याद रखिए, उनका प्रेम कभी आपके लिए नहीं बदल सकता। जितना प्रेम वो आपसे पहले करते थे, उतना ही प्रेम वो आपसे आज भी करते हैं। शैतान आपका नाम जानता है, पर फिर भी वो आपके पाप से आपको पुकारता है कि तू व्यभिचारी है, तू चोर है, तू हत्यारा है, तू ये है। पर परमेश्वर आपके सारे गुनाहों को जानता है, लेकिन वो आपको आपके नाम से पुकारता है क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आज आपके साथ बहुत खुशी के साथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल इंफॉर्मेशन, एक बहुत ही विशेष सूचना के साथ मैं आपके सामने आया हूं। आप जानते होंगे, कुछ समय पहले हमने कलीसिया के अंदर 5 दिनों का उपवास प्रार्थना डिक्लेयर किया था। इन 5 दिनों में बहुत सारे लोग हमारे कलीसिया में आए, उन्होंने फास्टिंग और प्रेयर में हिस्सा लिया। और मैं आपको जो कह रहा हूं, मैं नहीं कहता हूं कि ये एकदम प्रॉपर नंबर्स हैं, लेकिन यस, ये ऐसा ही कुछ होगा जहां तक मुझे पता है। चर्च के नंबर पे उसके बाद कम से कम, जहां तक मैं जानता हूं, कम से कम 3 से 3,500 लोगों ने मैसेजेस किए कि हम चाहते हैं कि हम 5 दिन की उपवास प्रार्थना आप फिर से करें। और हम बहुत आशीषित हुए। कोई भी आशीषित इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमने ऑर्गेनाइज की थी, नहीं, इसीलिए आशीषित हुए क्योंकि वो यीशु से कनेक्ट हुए। और जो लोग उससे आशीषित होते हैं, वो उसकी तरफ बनते हैं, वो उसके प्रेम को पहचान पाते हैं। सो आज मैं एक बार फिर से आपको सूचना देना चाहता हूँ। और ये सूचना मैं आपको इतना समय पहले क्यों दे रहा हूँ, ताकि आप में से कोई भी बाहर से हमारे चर्च में विजिट करने के लिए आना चाहता है, तो उनके पास सफिशेंट टाइम है। अगर आप हमारे लोकल हैं, बॉम्बे से हैं, या हमारे टाउन उल्हासनगर से ही हैं, तो भी आप इसमें आ सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम आने वाले 24, 25, 26, 27, 28 मई 2023, 24, 25, 26, 27, 28 मई 2023, हम ये 5 दिन, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, हम ये 5 दिन मई में उपवास और प्रार्थना करने जा रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर दिन ऑनलाइन मीटिंग भी होगी, हर दिन ऑफलाइन मीटिंग भी होगी। ऑनलाइन मीटिंग जो है वो जूम पर होगी, ऑफलाइन मीटिंग हमारे कलीसिया में होगी। बुधवार को जो 24 तारीख है, हम पुणे आएंगे, वहां से शुरुआत करेंगे और सुबह जूम हो जाएगी। और सारी जो डिटेल्स हैं, हमने वीडियो के ऊपर, आप एक आर्टिकल को देखते होंगे, वहां पर आपको सब मिल जाएगा। सेकंड, जो थर्सडे की मीटिंग है वो हमारे ऑफलाइन भी होगी जूम पर, और जैसे हम संडे को डायमंड हॉल में लेते हैं, वहां पर भी होगी। पता वगैरह सब ऊपर है। फ्राइडे को जो मीटिंग होगी वो चर्च में होगी हमारे, और ऑफलाइन भी होगी जूम पर। सैटरडे को हम मुंबई में मिलेंगे और मॉर्निंग में हम जूम पर भी मिलेंगे, और संडे को सुबह हम वापस डायमंड हॉल में मिलेंगे, चर्च में मिलेंगे, और शाम को हम जूम पे मिलेंगे। और मैं आपको हर एक को उत्साहित करना चाहता हूँ कि अगर आप इस सभा में आना चाहते हैं, हम आपका स्वागत करते हैं। हम विश्वास करते हैं कि हम बहुत आशीषित होंगे खुदा के कलाम के द्वारा और उसकी आत्मा के द्वारा। और मैं आप में से हर एक को इनकरेज करता हूँ कि आप इन उपवास प्रार्थनाओं में ज़रूर उपवास करें। अगर आपकी हेल्थ आपको अलाउ करती है, अगर आपकी सेहत ठीक है, आप उपवास कीजिए, उपवास रख के इन मीटिंग्स में हिस्सा लें। मैं बिलीव करता हूँ ये 5 दिन हमारे लिए बहुत ही आशीषित होंगे और हम वो अनुभव करेंगे जो हमने कभी नहीं किया। मैं बिलीव करता हूँ कि जैसे पतरस कॉर्नेलियुस के घर में गया और जब उसने वचन शेयर करना स्टार्ट किया, सुनने वालों पर पवित्र आत्मा उतरा। एक बार फिर से परमेश्वर का आत्मा वचन के सुनने वालों पर मंडराएगा, उनका जीवन बदलेगा और हम यीशु के आने के लिए बहुत हद तक तैयार हो जाएंगे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर हमें
इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प कर रहे हैं। खुदा आपको बहुत ब्लेस करे, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। थैंक यू।